सदस्यता गौरव पद यात्रा। इस कार्यक्रम के तहत सेवाग्राम वर्धा में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले से पूछे गए सवाल के जवाब में मंगलवार को ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक फैसला है। 38 दिन के बाद बने इस मंत्रिमंडल के गठन में पहले ही दिन 600 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए दिए जाने के निर्णय को उन्होंने एक तरफा बताया। उनके अनुसार महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों और किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है आज 38 दिन के बाद, उनको हम शुभेच्छाएं देंगे, लेकिन आज ही उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा किया है और उनको दिया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार ये गुजरात के लिए बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से जो परिस्थितियाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान को मदद नहीं की। तो ये सरकार, महाराष्ट्र विरोधी सरकार जो आज बन रही है, इसको सदिच्छा देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है, लेकिन आखिरी सरकार है। तो ये सरकार के बारे में ज़्यादा न बोलते हो, ये सरकार महाराष्ट्र के लिए काम करे, यही सदिच्छा हम उनको देते हैं।